हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया था, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। मींस मतलब पूरा चैप्टर रीड कर लिया था हमने, सब कुछ पढ़ लिया था, ओव्यूल, ओवरी और स्टैमेन, पिस्टल, सेपल, पेटल सब पढ़ लिया था, ठीक है, और रूट, लीव्स, मिडरिफ वगैरह सब पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। मीन्स यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी है गलत दे रखी हैं और हमको इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो मतलब ए स्टेटमेंट क्या है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो अब देखो इतना तो सही है, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो सही है, बस क्या गलत है, स्टेम जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, मतलब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है वो कौन होता है, रूट, ठीक है। ऐसे लिखेंगे रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है। बी देखते हैं, बी क्या है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या जो लीव्स होल्ड करती है पूरा प्लांट को खड़ा करती है, नहीं, कौन करता है, स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। सी देखते हैं, सी क्या है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। देखो ये देखा ना, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव, तो इसका आंसर क्या है, जो रूट है वो किस वाटर किसको ट्रांसपोर्ट करती है, हमारा आंसर ये गलत है इसके अंदर लीव्स, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेम, रूट कंडक्ट वाटर टू द स्टेम। आगे क्या है हमारा डी पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टैमेंस इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो इसमें आएगा इसकी जगह हम लोग लिखेंगे आर नॉट, क्योंकि जो मतलब नंबर्स होते हैं ना पेटल और स्टैमेंस के, वो इक्वल नहीं होते, मतलब इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है कभी, मतलब कोई सारी डिजिट उनकी सेम नहीं होती। तो देखो इसमें स्टैम गलत था, इस स्टैम की जगह हमने रूट लिख दिया, इसमें लीव्स गलत था, लीव्स की जगह स्टैम लिख दिया, और रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स की जगह स्टैम है, द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्टैमेंस इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल की जगह इसकी जगह लिखेंगे आर नॉट इक्वल। तो ये तो हमारे ए बी सी डी पार्ट, अब हम चलते हैं अपने ई और एफ पार्ट पर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ई और एफ पार्ट। ई और एफ पार्ट में क्या है, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर, मतलब इफ अ सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। मीन्स अगर एक फ्लावर की जो सेपल है वो एक साथ जॉइंट है, तो क्या उसकी पेटल भी जॉइंट रहेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे आर ऑल्सो की जगह में और में नॉट, हो भी सकती और हो नहीं भी सकती, ठीक है। मींस कि जो सेपल्स होती है फ्लावर की, वो जब मतलब अगर फ्लावर की सेपल जुड़ी हुई है तो उसकी जो पेटल्स है वो जुड़ी भी हो सकती है या फिर नहीं भी ज्वाइंट हो सकती है, ठीक है, में और में नॉट। एफ क्या है, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। तो ये आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कुछ सही करने के लिए नहीं है, बस ई में हमारा यही था, वो भी इसकी आर और ऑल्सो की जगह आना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर टू नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये है कि ड्रॉ अ लीफ, आपको ड्राइंग करनी है, एक लीफ ड्रॉ करनी है, एक टैप रूट ड्रॉ करनी है, फ्लावर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो हमने टेबल 7.3 में पढ़ा था बिफोर पहले, ठीक है, आपको वो ड्रॉ करना है। तो मैंने ड्रॉ नहीं करा, ये आपको होमवर्क है, आपको लीफ, टैप रूट और यहाँ पे बोला गया है फ्लावर, आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने सीधा करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ बोल रहा है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस, क्या आप एक ऐसा प्लांट फाइंड कर सकते हो अपने घर में या फिर अपने नेबर में, विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, जिसकी बहुत लॉन्ग स्टेम है बट बहुत ज़्यादा वीक है, राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, उसका नाम लिखो कैसे, कौन सा प्लांट है और उसे कौन सी कैटेगरी में रखोगे आप, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस
मनी प्लांट नीड्स सपोर्ट इट इज अ क्लाइंबर। तो यहां देखो हमने क्या कौन सा प्लांट लिखा है, मनी प्लांट। देखो मनी प्लांट क्लाइंबर है, उसे मतलब उसकी बहुत वीक स्टेम्प है वो, जब उसे ऊपर उसके अगर बेल ले जानी होती है तो मतलब वो सपोर्ट ही होता है किसी का ना, वो खुद से तो नहीं जा सकती क्योंकि वो मतलब उसकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप ही इसका आंसर लिखेंगे यस मनी प्लांट नीड सपोर्ट। और मनी प्लांट लिख सकते हो गार्ड, वो जो लौकी होता है गार्ड उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इट इज़ अ क्लाइंबर और ये क्लाइंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। मतलब हमें स्टेम के फंक्शन लिखने हैं कि स्टेम क्या क्या काम करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ए स्टेम। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, स्टैम्स होल्ड, एक मिनट स्टूडेंट्स, द प्लांट अपराइट। सेकेंड फंक्शन है हमारा, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट parts of the plant। third है it transports food from leaves to different parts of the plant। means देखो आंसर क्या है हमारा, फॉलोइंग्स आर द फंक्शन ऑफ स्टेम। मतलब ये फंक्शन है स्टेम के, फर्स्ट फंक्शन है स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। जो स्टेम है वो एक प्लांट को एक सपोर्ट देता है, ऊपर खड़ा रखता है। मींस प्लांट जो है स्टेम होगी तभी तो स्टैंड हो पाएगा, हमारा प्लांट नीचे गिर जाएगा अगर स्टेम नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी जो स्टेम होती है वो प्लांट को सपोर्ट देती है उसको खड़ा होने के लिए। सेकंड है इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो हमारा जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। मतलब जैसे रूट वाटर एब्जॉर्ब करते तो प्लांट रूट से वाटर लेकर जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचाती है। थर्ड है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये भी काम करती है, जब लीव्स खाना बना लेती हैं तो जो स्टेम होती है वो उस फूड को कलेक्ट कर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचाती है। तो ये था हमारा स्टेम्स के फंक्शन। सो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।